वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो मैं मुझे सिद्दीकी, तो यहाँ पे मैंने इस बार मेरा हैंड बैग कलेक्शन है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के मैंने हैंड बैग्स यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि मुझे कुछ बैग्स मैंने गिफ्ट करने के लिए भी मंगाए हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं ये बैग है। एक तो मुझे नहीं अच्छा लगा, वो वाला रिटर्न करेंगे। और काफ़ी अच्छे अच्छे सा कलेक्शन है, तो वीडियो फुल वॉच करिएगा तो आपको समझ में आएंगे क्या कि आपके जैसे डॉटर का या फिर मतलब बॉय का भी हाँ बर्थडे है, तो उसमें गर्ल्स तो आती हैं, उनको रिटर्न गिफ्ट भी देने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हॉल। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये व्हाइट कलर का हैंड बैग दिखा देते हैं। ये वाला मैंने बहुत पहले एक वीडियो में भी परचेज किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वो एक्चुअली किसी ने ले लिया था, उनको बहुत पसंद आया था, तो मैंने ये जब देखा बैग का ऑर्डर कर रहे थे तो ये वाला मुझे दिख गया। तो ये वाला फिर से मैंने व्हाइट कलर का है और बहुत प्यारे से यहाँ पे ब्लू एंड पिंक कलर के रोज बने हुए हैं। आपको पीछे बैग में भी बहुत अच्छे से जिप मिल जाती है और आप इसे ऐसे हैंडल भी पकड़ सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं हैंडल दिए हुए हैं और ये एक बो टाइप का जैसे आपको बंद करने वाला मिल जा रहा है। और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है एक अपार्टमेंट एक है और इसके अंदर एक और है। और ये देखे अंदर चेन लगा हुआ, तो इसमें चेन वगैरह रखने के लिए। और इसमें एक बड़ा सा भी दिया हुआ है, तो अगर आप ऐसे हैंड में नहीं ले सकते तो शोल्डर पे लेना चाहते हो तो इसको लगा ले, तो इसकी लेंथ काफी बढ़ जाएगी। तो ये फर्स्ट वाला जो था मैंने आई थिंक बहुत पहले मैंने हॉल में भी दिखाया था, तो मुझे ये वाला बैग अच्छा लगा तो मैंने सोचा फिर से आपको दिखा देते हैं। और ये इस तरह का किस लिखा हुआ है, तो ये इस तरह का ये ब्रांड है। इसमें और भी कलर ऑप्शन है, तो इसमें मैंने ब्लैक कलर आई थिंक है, ब्लू है, तो मैंने ये व्हाइट वाला लिया। ये वाला मुझे प्रिंट ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो ये फर्स्ट मेरा ये व्हाइट कलर का हैंड बैग है। और इसके बाद मुझे स्लिंग बैग मैंने परचेज किया है, ये इस तरह का ब्लैक कलर का है और यहाँ पे ये क्रीम कलर का कलर कॉम्बिनेशन है। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, पिंक है, ब्लैक, ब्लू और मतलब जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। तो ये वाला इस तरह से यहाँ पे गोल्डन कलर का दिया हुआ है ऐसे ऑन करने के लिए, ओपन करने के लिए। तो इसमें भी काफी अच्छा सा स्पेस है और पीछे आपको जिप दी हुई है चेंज वगैरह रखने के लिए। बाकी अपार्टमेंट पूरा एक है, क्योंकि स्लिंग बैग में ऐसे ही होता है। और यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी पकड़ सकते हैं और शोल्डर पे करने के लिए ये दिया हुआ है। तो ये भी काफी अच्छा आपको मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आई थिंक 400 के अंदर अंदर ये स्लिंग बैग है, 300 कुछ रुपीस का है, तो इतने कम प्राइस में आपको देख सकते हैं इसकी शाइन एंड क्वालिटी, स्टिच वगैरह आपको देख सकते हैं। काफी अच्छी फिनिशिंग का मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये है पूरा इसका साइज, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यही स्लिंग बैग का ये स्टैंडर्ड साइज होता है जो अच्छा लगता है। तो आप जीन्स वगैरह या वेस्टर्न ड्रेस है किसी पे भी, आपको ये सूट है, कुर्ती, प्लाजो पे इस तरह के बैग बहुत अच्छे लगते हैं। तो सेकेंड मेरा ये बैग था। इसके बाद आपको दिखाते हैं जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं हैंड बैग, सॉरी स्लिंग बैग। तो ये इस तरह से मैंने टाइगर प्रिंट वाला लिया हुआ है। इसमें भी काफी ढेर सारे ऑप्शन थे मगर ये वाला प्रिंट मुझे काफी अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से ये इसमें आपका मोबाइल आराम से आ जाएगा, ये देखें। ओ तो इसमें मैंने यहाँ पे इस तरह से आपको नेट दी हुई है, ये दी है नेट, आप अपने कार्ड वगैरह रख सकते हैं। दोनों साइड में आपको नेट दी है इस तरह से और क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी भी। तो ये भी मुझे 300 आई थिंक 300 कुछ का मिला था ये, या 400 का था। प्राइस आपको नीचे स्क्रीन पर शो हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कौन सा बैग आपको कितने का। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक ही ये दिया हुआ है आपको इसी साइज में। तो ये इस तरह से ये प्रिंट में काफी अच्छा लग रहा है। तो इसमें भी मुझे ढेर सारे प्रिंट दिख रहे थे, ये वाला मैंने परचेज किया। इसके बाद ये वाला बैग मुझे, ये भी स्लिंग बैग दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था जब मैंने देखा था, पर रियल में मुझे इतना ज्यादा नहीं अच्छा लगा। कैमरे में आपको ज्यादा अच्छा लग रहा होगा लेकिन आई थिंक, लेकिन प्राइस भी इसका बहुत ज्यादा कम है, आई थिंक 200 कुछ का ये बैग है। तो लेकिन क्वालिटी मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी जो अकॉर्डिंग जो मैंने पहले के बैग दिखाया था। तो ये वाला शायद मैं रिटर्न कर दूं, ये वाला बैग ना रखूं। और यहाँ पे इस तरह से पकड़ने के लिए भी दिया हुआ है हम फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से सिंपल सोर सा है। स्टिच वगैरह ठीक है लेकिन
थोड़ा सा रफ मटेरियल लग रहा है, तो इस तरह से अंदर दिया हुआ है पूरा। एक अपार्टमेंट है और एक चेन वाला है, यहाँ पे आप चेन वगैरह रख सकते हैं। तो अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल देख रहे हैं, किसी को बर्थडे गिफ्ट देना है कुछ ऐसा, तो इसके साथ जा सकते हैं। वैसे क्वालिटी ख़राब नहीं है, देखने में अच्छा लग रहा है, तो बस मुझे थोड़ा नहीं अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको रिटर्न करना। इसके बाद नेक्स्ट है जो, तो मैंने यहाँ पे दो मंगाए हैं, तो ये है मेरे प्यारे प्यारे से क्यूट से दो बैग हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप जैसे बर्थडे होता है, आपके डॉटर है या फिर सन है, तो आपके बच्चे उसके फ्रेंड आते हैं बर्थडे पार्टी में, तो ये रिटर्न गिफ्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। इस तरह से आपको छोटा सा ये पकड़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए ना ये गिफ्ट करने के लिए, तो वो गर्ल्स हैं तो बहुत प्यारे से है और वो भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये प्यारा सा गर्ल्स के लिए, छोटी छोटी गर्ल्स के लिए हैंड बैग है। तो ये जैसा जितनी भी गर्ल्स आपके बच्चे के बर्थडे में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप परचेज कर लें। तो ये मुझे स्पेशली मैंने रिटर्न गिफ्ट के लिए मंगाया है। तो यहाँ पे इस तरह से बटरफ्लाई, बहुत प्यारी सी पिंक कलर की बटरफ्लाई बनी है। बाकी पूरे बैग में छोटे छोटे से स्टार बने हुए हैं। एक छोटा सा चेन है, छोटे बच्चों को मोबाइल तो रखना नहीं है, बस ऐसे कुछ भी एक्सेसरीज रखनी है, तो एक छोटी सी चेन दी हुई है। लुक वगैरह, क्वालिटी वगैरह अकॉर्डिंग प्राइस मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये इस तरह से आप रिटर्न गिफ्ट में भी दे सकते हैं, एक अच्छा आइडिया मैंने आपको बता दिया। और एक है ब्लैक कलर का, तो इसमें भी सामने बटरफ्लाई है और स्टार बने हुए हैं, बहुत सॉफ्ट है। एक प्यारा सा पॉम्पम लगा हुआ है, इस तरह से चेन में इस तरह से पॉम्पम लगा हुआ है। तो इसका क्वालिटी बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग प्राइस। इसके बाद मुझे दो मैंने ब्लैक कलर के जो बैग मंगाए, यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं ये, मुझे बहुत अच्छे लगे। प्राइस भी इसका बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। इसमें जो चेन दी हुई है आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। यहाँ पे गोल्डन कलर की चेन की क्वालिटी देखिए यार, कितनी प्यारी है, स्मूथ। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं आप, अगर चाहें तो इसको ऐसे शोल्डर पे अगर आपको डालना है तो आप इस तरह से ले सकते हैं। और आगे जो इसका लुक है वो देखें, शाइन देखें कितना प्यारा सा है। तो इस तरह का ये स्लिंग बैग है, ये भी इसमें भी पूरा एक अपार्टमेंट है। और यहाँ पे ये एक चेन दी हुई है, चेंज वगैरह रखने के लिए, पैसे वगैरह रखने के लिए। तो मुझे ये बहुत स्पेशली बहुत अच्छा लगा। ये देखें बैग में भी इस तरह से ना प्रिंट दिया हुआ है और नीचे, और ऐसे नीचे आपको प्लेन है और ऊपर आपको इस तरह से प्रिंट दिया। तो ये वाला बैग मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट एंड लास्ट है, वो भी मैंने ब्लैक कलर का मंगाया क्योंकि मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। यार ये देखें शाइन देखें आप कितनी प्यारी है। और इसके साथ भी सेम उसी तरह से बहुत प्यारी से गोल्डन कलर की चेन मिल रही है। तो इसको भी आप अगर एक ऐसे शोल्डर पे ले रहे हैं तो ऐसे ले सकते हैं, अगर आपको हाथ में पकड़ना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये 2-in-1 वाला बहुत प्यारा सा है, जिस तरह से आप कंफर्टेबल है वैसे ले सकते हैं, नहीं तो आप शोल्डर में भी इस तरह से, ये देखें ज्यादा लंबा नहीं जाना है आपको, तो इस तरह से आपको ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, इसकी भी शाइन वगैरह खुद ही देख सकती है, इसमें भी कलर ऑप्शन बहुत है लेकिन मैंने ब्लैक मंगाया, ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे इस तरह से गोल्डन कलर का दिया है, और इसमें भी एक ही अपार्टमेंट मिलता है आपको और एक चेन मिलती है ये। तो यहाँ पे एक चेन है और ये तो कचरा है। तो ये देखें इस तरह से काफी अच्छा स्पेस है, मोबाइल वगैरह आपका आ जाएगा, मतलब ये साइज होते हैं ना स्टैंडर्ड साइज होते हैं स्लिंग बैग के, तो ये साइज अच्छे लगते हैं। तो अभी जैसे ना आप अगर अलमारियों में रखें यूज नहीं है तो इस तरह ये डाल के रखें, क्योंकि हम लोग ना निकाल के फेंक देते हैं और अलमारी में ऐसे ही डाल देते हैं ना, तो इनका साइज ऐसे हो जाता है तो अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से इनको डाल के रखें, तो काफी अच्छा लगा। तो ये मेरे 8 बैग थे मीशो से, तो सारे के सारे क्वालिटी अच्छे लगे अकॉर्डिंग प्राइस। तो इन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर पसंद आता है तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल होगा तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।